एक गाइस फास्ट कार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ईकान। तो आज मेरे सामने खड़ी है टाटा एरियर में, एक व्हाइट कलर में, एक सिल्वर कलर में। तो जो आपको पसंद आएगा आप देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बोल्ड दिखती है और ये वाइट कलर में वहाँ खड़ी है जिसकी डे रनिंग लाइट्स ऑन है, तो वो उसको सेल आउट हो चुकी है। तो हम इसका रिव्यू करेंगे। तो दिखने में काफ़ी बढ़िया है, जो इसकी फ्रंट लाइट है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। ऊपर एक आईब्रो दी है पतली सी जो डे रनिंग लाइट्स है इसकी, और उसके नीचे ही प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स दिए और उसके नीचे फॉग लैम्प्स दिए। तो काफ़ी लाइट्स के मामले में काफ़ी बढ़िया दिया है इसमें सब कुछ। और जो इसके अगर हम देखते हैं फ्रंट से तो काफ़ी बढ़िया और एग्रेसिव लुक दे रही है। तो इसके चलिए इसके पास चलते हैं, मैं इसके दिखाता हूँ आपको, इसकी लाइट्स दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए, ये डे रनिंग लाइट्स है इसमें और एलईडी है ये भी, और ये देखिए ऐसे दिखती है। इसी के नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी दिख रही है, तो वो जा रही है, उसको जाने देते हैं। तो हम अपनी वीडियो पर इसको फोकस करेंगे। तो वो निकल चुकी है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये टाटा का लोगो दिया बीच में, और ये इसमें बीच में ये ग्रिल दी गई है ब्लैक कलर में ही। तो साइड से कुछ ऐसे दिखती है ये जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ, ये टॉप मॉडल है X-Z, जिसकी कीमत ऑन रोड 19 लाख है। और इससे जो बेस वाला मॉडल है वो एक्स ही मॉडल आता है इसका, जिसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख के आसपास है, दिल्ली में है। और इसके टायर की बात करते हैं तो टायर जो इसका टायर है वो 17 इंच का इसमें टायर दिया गया है। और फ्रंट में इसमें आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और रियर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया टायर दिए हैं, गुडियर के इसमें टायर मिलते हैं आपको। तो एक SUV है तो आपको टायर तो बड़े मिलते ही हैं ऑब्वियसली, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। तो साइड से कुछ ऐसी दिखती है। और इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसमें 4598 mm इसकी लेंथ है इस गाड़ी की, तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लंबी भी है ये। और जो इसका मिरर है वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जो फ्रंट के जो डोर हैं जो इस वो भी क्रोम में दिए गए हैं, और रियर वे वाले भी क्रोम में ही दिए गए हैं। तो ये देखिए क्रोम में ही दिए गए ये भी। तो जो रियर का जो है टायर है वो उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ये आपको ये पेट्रोल डालने के लिए। पेट्रोल वेरियंट तो आता नहीं है इसमें। हाँ, पर इसमें चारों जो मॉडल हैं वो डीजल में ही आते हैं, तो आपको इसमें राइट साइड ही मिल जाएंगे। जैसे जैगवार वाले गाड़ियों में आपको मिलते हैं राइट साइड में आपको पेट्रोल डीजल डलवाने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये इसके जो रियर टेल लाइट्स है वो LED है, और ये आपको दिख रहा होगा जैसे लैंड रोवर में लिखा रहता है वैसे ही यहाँ हैरियर लिखा हुआ है बड़ा सा। तो इसमें रियर में आपको वाइपर भी मिलता है और कैमरा भी मिलता है नीचे। और जो इसकी स्टफनी है टायर की वो नीचे ही है, तो यहाँ पर भी लाइट्स मिलती है और कैमरा दिया गया है। रिवर्स पार्किंग है इसमें, तो वो देखिए वो टायर स्टफनी जो आपको इसमें नीचे ही मिलेगी। तो इसकी जो रूफ है ऐसी मिलती है, बीच में आपको एंटीना मिलता है इसमें रूफ पे, और रूफ रेल भी मिलती है आपको, स्पॉइलर भी मिलता है इसमें टाटा हैरियर में ही। तो ओवरऑल टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, फुल फीचर्स मिलेंगे। तो मैं एक बार इसमें आपको वाइट कलर के भी दिखाता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि वाइट में ये कैसी दिखती है हैरियर। तो वाइट में कुछ ऐसी दिखती है। तो जो भी इसके मॉडल हैं, 4-5 कलर आते हैं इसमें। एक आता है गोल्ड कलर में, एक आता है ग्रे कलर में, वाइट में, सिल्वर में। तो ये 4-5 कलर आते हैं। तो ये पांचों कलर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको हर चीज़ उसमें अलग अलग दिखेगी। तो मैंने आपको 2-3 कलर तो दिखाए, एक वाइट दिखा दिया, एक सिल्वर दिखा दिया, एक ग्रे दिखा दिया। तो अब चलते हैं हम इसके अंदर। तो ये है रियर का डोर, तो डोर भी काफ़ी अच्छा है, डुअल टोन डोर दिया गया है इसमें। एक तो लेदर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर का दिया गया। तो जो इसके अंदर जो हैंडल है, डोर हैंडल है, इसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलती है। और ये देखिए, ये लेदर दी गई है यहाँ पे ब्राउन कलर में। तो यहाँ पे भी आपको बोतल रखने के स्पेस, 2 स्पेस दिए गए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, आपको 2 स्पेस में यहाँ मिल जाते हैं आपको रखने के लिए सामान। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ जो इसकी सीट का मैं कवर डाल लेता हूँ, यहाँ ये लेदर की सीट है, ये टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको लेदर की सीट्स मिलेगी। तो आपको इसमें फाइबर की नहीं मिलेगी, तो लेदर की मिलेगी। इसमें आपको मैट्स भी मिलते हैं, तो इसको निकालते हैं। तो इसमें आपको मिल रहा होगा यहाँ पर 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ रियर वेंट AC दिया गया है यहाँ पे भी। तो सीट काफ़ी अच्छी है, जो इसकी सीट से पीछे की वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान रखना हो तो सीट के पीछे नीचे कर ली, ऐसा हो सकता है।
तो ये फ्रंट डोर है, जो फ्रंट डोर है रियर डोर बिल्कुल सेम है वैसे ही है बिल्कुल, पर इसमें कंट्रोल्स में है, वन टच अप है, वन टच डाउन भी है, और पावर कंट्रोल्स मिलते हैं आपको सारे यहाँ पे। यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी दिया गया है, बोतल रखने के, पेपर वेपर कुछ भी आप रख सकते हैं अपना। तो आते हैं सीट्स के ऊपर, तो जो सीट्स है ये यहाँ पावर विंडो पावर वाली होती तो मज़ा ही आ जाता है, ये मैनुअल दी गई यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने वुडन का फिनिशिंग दी गई है, और उसके ऊपर एसी और स्टॉप स्टार्ट का बटन का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है, एक स्टॉप स्टार्ट का बटन मिलता है यहाँ पे। तो जो इसका ये डोर हैंडल है इसमें आपको काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको वॉइस कंट्रोल मिलता है, हिल डिसन कंट्रोल मिल जाता है, ये इसमें डिस्प्ले दी गई यहाँ पे, इसमें काफ़ी कुछ बताएगा भी ये। तो इसकी टच स्क्रीन है वो भी काफ़ी बड़ी है, और इसमें यहाँ कंट्रोल्स दिए गए हैं, सीडी प्लेयर इसमें आपकी लग जाएगी, और इसमें आपको 6+ स्पीकर्स दिए गए हैं, जो स्पीकर्स है वो JBL के दिए गए हैं, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है आपको इसमें। तो ये जो जिसके चारों मॉडल ये मैनुअल में है, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं आते, 6 गियर में आपको इसमें मिलते हैं, और इसमें ही यहाँ आपको ये हैंड ब्रेक का दिया गया है, और यहाँ आपको आप अपनी बोटल्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये है आर्म सपोर्ट, तो आर्म रेस्ट में इसको खोल के दिखाता हूँ, इसमें भी काफ़ी स्पेस है, और इसमें भी आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे आर्म रेस्ट, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है। तो ऊपर यहाँ आपको यहाँ सनग्लासेस का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर के साथ पैसेंजर की साइड आपको यहाँ मिरर मिलता है लाइट के साथ, पर एक बुरी बात यह है जो आपके ड्राइवर साइड है उसमें आपको मिरर दिया नहीं दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पे मिरर ही नहीं दिया गया, एक यार शीशा देखने के लिए, शक्ल देखने के लिए मिरर तो देख लें, नहीं तो वहाँ साइड वाले में जाके शीशा देखना पड़ेगा हमें। तो उधर भी पूरे में ही वो वुड की फिनिशिंग दी गई है, जो उसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें आपको कूल ग्लव मॉक्स मिलता है, जो कि आप अपना पेप्सी वेप्सी कुछ भी कोल्ड ड्रिंक ठंडी कर सकते हैं। तो इसमें अरे एयर बैग्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, 6 एयर बैग्स काफ़ी सही है, 3 4 आगे 3 पीछे, तो ये ठीक है एयर बैग्स के उसमें। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं आपको इसमें। ये यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे हैरियर लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। ये है इसका जो इसका बूट स्पेस है वो 425 लीटर का इसका बूट स्पेस है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है और काफ़ी बड़ा भी है। तो यहाँ पे आपको हुक भी मिलते हैं रखने के लिए सामान, आप अपने लगेज बिल्कुल आराम से, एक तरह से ये 7 सीटर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ लोग भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं पीछे में आराम से। तो ये यहाँ पे ये कैमरा दिया गया है इसके यहीं भी, तो यहाँ से आप रिवर्स अपना कैमरा कर सकते हैं गाड़ी पार्क इजीली। तो इसके नीचे भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है, तो यहाँ देखिए आपको टूल्स भी मिलते हैं, पेचकस वेचकस भी मिलते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे ही कुछ थोड़ा और स्पेस दिया गया, 2 पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है, और इसी के नीचे स्टेपनी मिलती है, जो स्टेपनी दी है वो सही नीचे दिए गए, क्योंकि बोर्ड स्पेस काफ़ी बड़ा मिल जाता है इसके हिसाब से। और इसके इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं, तो इसमें 50 लीटर का इसके फ्यूल टैंक दिया गया है। तो ये फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। अगर हम इसके वेट की बात करते हैं, तो इसका वेट है गाड़ी का 1675 इसका वेट है, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर ये SUV है तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, 205 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ओवरऑल काफ़ी गाड़ी बढ़िया काफ़ी है, और इसमें और कुछ तो है नहीं कुछ बताने के लिए, आप अगर इसका मन है तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। तो इसका सीधा कंपटीशन क्रेटा से होता है, XUV500 से होता है, और बहुत सारी गाड़ियों से होता है जो इस रेंज में आती है, सेंटाफे से भी इसको कर सकते हैं, या तो इसको एक होंडा की ये गाड़ी आ रही थी उसको मेरे को नाम तो नहीं पता, पर उससे भी हम कर सकते हैं। तो गाड़ी काफ़ी और काफ़ी बढ़िया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट बताने की आपकी वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।